हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए, ये एक साथ बिल्कुल एक शांत नहीं रह सकते। तो जब पूरे राजस्थान में अलग अलग, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि दो है, एक तरफ हमारा भाई वो भी हमारा है सीपी सैनी जी, और दूसरी तरफ वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी हमारे अपने ही हैं। दोनों हमारे समाज के हैं और उन्होंने दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा समाज जो सोया हुआ था आरक्षण के लिए, उन्होंने उसको जगाया। दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग, क्योंकि एक उग्र दल का और एक नरम दल का पहले भी लड़ाइयां हुई है। उसमें एक शांति बनाता था और एक लाठियां चलवाता था। ऐसा होना भी चाहिए। भाई सीपी ने यह आवाज उठाई, लेकिन उसको शांत करने के लिए भाई मुरारी लाल जी उसका साथ देने के लिए आगे आए, क्योंकि एक ने गलत किया थोड़ा सा, दूसरे इसको ठंडा कर लिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कोई सुनने वाला भी नहीं है, गलत किसी ने नहीं किया, हम दोनों के समर्थन में है। और अभी जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि हम किसकी बात माने, किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े, आपको पता है जितने भी आरक्षण मिले, जितने भी मुद्दे हुए, वो आज तक हर समाज को उठा के देख लीजिए, महासभा के नाम पे सारे मुद्दे हुए, महासभा की बात मानी गई और महासभा के बैनर तले ये सारे काम हुए। चाहे जाट महासभा देख लीजिए, गुर्जर महासभा देख लीजिए, ब्राह्मण महासभा देख लीजिए, राजपूत महासभा देख लीजिए, या कोई और अन्य जातियों की महासभा देख लीजिए, तो क्यों ना हम भी माली महासभा के बैनर नीचे काम करें, ताकि हमारा जो एक रहे, गुट एक रहे, फिर हम अलग अलग रास्तों पर ना भटके। आज हमारा जो जननायक है, जो राजस्थान का राजा है, वो आपका है, आपके समाज का है, उसने हमारे समाज को आगे नाम रोशन कर रखा है। लेकिन कुछ लोग उनको देखना नहीं चाहते, अपन नहीं, कुछ दूसरे लोग, और उनकी रणनीतियां हैं, तो अपन इस रास्ते से भटके नहीं। आज आप देखिए, हम आज सीएमओ में चले जाते हैं, आप लोग जाते हो किसी ऑफिस के अंदर जाते हो, माली का नाम लेते ही सारे अधिकारी नीचे हो जाते हैं। आपको जाने को रास्ता मिलता है, आपको बैठने को कुर्सी मिलती है, और आपकी बात सुनी जाती है। किसकी वजह से? उस जननायक की वजह से। इसलिए हमें जोश तो रखना है, लेकिन जोश के साथ होश भी रखना है, क्योंकि अकेले राजस्थान सरकार का काम नहीं आरक्षण देना। ये बात चाहिए पूरी केंद्र तक, केंद्र जब तक नहीं चाहेगा तब तक हमें आरक्षण मिलने वाला नहीं है। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए, आप इस बात को सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपने विवेक से काम लो और अपनी महासभा की बात को सुनो, क्योंकि युवाओं का जोश और हमारे बुजुर्गों का अनुभव दोनों का संयम करके हमको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। और